क्लास फाइव। क्लास फाइव आज आपका टॉपिक है ट्रांसलेटर। कंप्यूटर का आपका टॉपिक है ट्रांसलेटर। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, यानी ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेटर्स बेसिकली कंप्यूटर में ट्रांसलेटर्स का क्या काम है, ट्रांसलेटर्स हम कंप्यूटर में क्यों यूज करते हैं, ट्रांसलेटर्स होते क्या है। बेसिकली ट्रांसलेटर्स हमारे पास एक ऐसी फंक्शंस बोल सकते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, जो कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस है, यानी जो हमारी लैंग्वेजेस है जो हम लोग कंप्यूटर में राइट करते हैं, उसे ट्रांसलेट करके वो क्या करता है कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ट्रांसलेटर्स का मतलब ही ये है कि वो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस है उन्हें ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसे ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। यानी कंप्यूटर में अगर मैंने कुछ राइट करना है, यानी कंप्यूटर में अगर मैं लिख रही हूँ, अपना नेम लिख रही हूँ, तो कंप्यूटर को ये समझ नहीं आ रही कि फायदा क्या है, तो वो क्या करेगा कि मेरे इस नाम को ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेटर्स की मदद से क्या करेगा, इसे ट्रांसलेट करेगा, देन उस नाम को मेरे जो नेम है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज हमारे पास 01 की फॉर्म होती है। ठीक है, 01 की फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म होती है, यानी मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 01 01 01 आते हैं, कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन को ये हमारी लिखी हुई लैंग्वेज ए बी सी डी ये सारी अल्फाबेट से समझ नहीं आते। अब उस लैंग्वेज उसे कंप्यूटर को समझाने के लिए, यानी कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, तो कंप्यूटर में फंक्शन इंस्टॉल किए जाते हैं, ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ट्रांसलेट करते हैं हमारी जो अपनी लैंग्वेजेज हैं वो उर्दू में अगर हम लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, किसी और जुबान में लिख रहे हैं, तो उसे कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली बाइनरी फॉर्म यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया। अब ट्रांसलेटर्स क्या है, कि ट्रांसलेटर्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ठीक है, यानी ट्रांसलेटर्स हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी जो हम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज़ राइट कर रहे हैं उसे कन्वर्ट करते हैं वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। वन लैंग्वेज का मतलब है कि जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ए बी सी की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर देगा वो मशीन लैंग्वेज पे, यानी 01 की फॉर्म बाइनरी फॉर्म जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लियर हो गया। इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम कहीं पर चले जाएं आउट ऑफ कंट्री, हमें वहाँ जाके उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो हम लोग अपने साथ एक ट्रांसलेटर यानी पर्सन हायर करते हैं जो कि हमारी जो लैंग्वेज है या उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके हमें बताता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ऐसे ही है, इसी तरह कंप्यूटर्स को भी इन ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ह्यूमन पर्सन की लैंग्वेज को समझे और इसे ट्रांसलेट करें। क्लियर है। तो ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं हमारी लैंग्वेजेस को। अब हमारे पास ट्रांसलेटर्स की थ्री टाइप्स होती है ट्रांसलेटर की। फर्स्ट टाइप है इसकी कंपाइलर, सेकंड टाइप है इसकी इंटरप्रेटर, और थर्ड टाइप है इसकी असेंबलर। ठीक है, ये थ्री टाइप्स हैं जो अगर कंप्यूटर में एज अ ट्रांसलेटर यूज की जाती है। अब जो फर्स्ट टाइप है कंपाइलर की, वो क्या है, देखिए जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी कोड राइट करते हैं, कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो वो तीन ट्रांसलेटर से होगी गुजर के। फर्स्ट जो ट्रांसलेटर वो कौन सा, कंपाइलर है। अब कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही मैंने कंप्यूटर, यानी ये मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मैंने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यानी मैंने कोई भी अपनी लैंग्वेज में कोई कोड लिखा है, कंपाइलर क्या करेगा, उसे कंपाइल करेगा। कंपाइल का मतलब ये है कि उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसे कन्वर्ट कर देगा किस लैंग्वेज में, 01 की फॉर्म में, यानी मशीन लैंग्वेज में। क्लियर हो गया। कंपाइलर यानी एक ट्रांसलेटर है जो कि ये सारा प्रोसेस करता है। इसके बाद इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर, जैसे मैंने कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज लिखी यानी ए बी सी या कुछ भी लिखा, अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद उसे क्या कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये भी ट्रांसलेटर है, और ट्रांसलेटर यानी इंटरप्रेटर का भी क्या काम है, तो कन्वर्ट करना लैंग्वेजेस को। देन उसके बाद जो हमारे पास असेंबलर है, असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर भी हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी जो हमने कंप्यूटर पे राइट करते हैं उस
और ये कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ये फंक्शंस में प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था आपका ट्रांसलेटर्स का, कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स